तो भाई मुझे आपसे क्वेश्चन है सचिन भाई, आप क्रेजी एक्स वाई जेड के टीम के मेंबर्स हो आप, तो आपने अमित भैया को धोखा क्यों दिया? यार वो अमित ने ही उन्हें कहा था कि चैनल डिलीट कर दो अगर टीम में काम करना है तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे प्यारा सी यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों आज के प्यारे ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आज के प्यारे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, अभी सुहानी जा रही है तैयार होकर के ट्यूशन पढ़ने के लिए। उधर मम्मी भी जग के आ गई थी सवेरे सवेरे। हेलो गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहे हो? पढ़ने के लिए। सुबह का बज रहा है 5, अभी रेडी हो गया अच्छे तरीके से। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम सब कैसे हैं बच्चों, कैसे भाई बहन सब? मम्मी का आशीर्वाद से अच्छे होगा आपके पास। आप सुहानी बहन भी जा रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए। चलो इधर बाय करो भाई। आप लोग देख सकते हैं तोता का कमाल, मीठू कितना अच्छा से खेल रहा है, अभी बोल रहा था ये चुप हो गया। ठीक है, अभी का क्या काम कर रहे थे? ये रहा चश्मा हमारा, इसमें वीडियो एडिटिंग चल रहा है। अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है और दिन के अभी 10 बजने वाले, 10-11 बजने वाले हैं। और राखनी की वजह से, राखनी नहीं उठी थी ना, हमको उठाई थी, है ना। अभी सिल्वर प्ले बटन को हमारा जो है बढ़िया से पैक कर रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सारा काम इसी को दे रखे, 10,000 महीना पे, है ना, सब काम करती है। चश्मा ले जा। तो गाइज अभी क्या हो रहा है कि मम्मी जो है गेंडा सिल रहे 3-4 दिन से, और एक हमारे भैया एक यूट्यूबर है जो आ रहे हैं राजस्थान से हमसे मिलने के लिए। तो मम्मी को हम कब से बोल रहे हैं कि थोड़ा खाना अच्छा बना दो, थोड़ा हलवा पूरी बना दो, सब कुछ बना दो। तो मम्मी बोले दाल भात चोखा बन रही है, मतलब बिहारी खाना खिलाएंगी मम्मी आए। हम बोले कुछ अच्छा चीजें बना दो, भैया आएंगे थोड़ा इम्प्रेस हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है कि नहीं मम्मी? क्या है कि नहीं? हाँ ठीक है बन जाएगा, सेवाई पूरी बन जाएगा। हाँ ये हुआ ना कैमरा वाला बात। मम्मी कैमरा में बोल रही है, ये बात सही है, तब बनेगा तो बनेगा। और साथ ही साथ देखो गाइस, खाने को हम लोगों मिल नहीं रही है खाना। इधर देखिए रखा हुआ है चाना, है ना, वो भी तोतवा के लिए। अब हर दिन में एको बार नहीं बोलता है, कम से कम बोल देता तो समझते कि हाँ तोता को लेकर के आए तो पैसा वसूल हो गया, नहीं बोलता है। मिर्ची इधर चाना रखा हुआ है, पूरा घर को गंदा गंदा करके रख देता है। इधर देखो खरगोश को, दोनों को, इन दोनों से जो हम परेशान हो जाते हैं, इतना कचरा कचरा करता है ना, देखिए एकदम आलसी की तरह सोया हुआ है वो, है ना। इसको हम क्या कहें, अब क्या कहें। गाजर है उसी का खाने के लिए, और गाजर जो मम्मी लेकर के आई, बगल में खेती होता है तो सब खरा के लिए जो खरगोश है शेरू आने के लिए उसी के लिए लेकर के आएंगे। अरे भैया आ रहे हैं इतने दूर से, क्योंकि जब हम राजस्थान गए थे ब्लॉग करने के लिए तो अपना दर्द हम सुन सकते हैं, अपना हमें समझ सकते हैं, क्योंकि रोड पे सोए थे, मंदिरों में से खाना मांग करके खाए थे, ऐसा स्थिति हो गया था वहाँ पर। मम्मी ठीक है, भैया आने से पहले अभी पटना पहुँचे हुए हैं, खाना वाना बढ़िया से बना दो, ठीक है? ठीक है अच्छा तरीके से बन जाएगा तो घर में भैया खा लेगा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सब्सक्राइबर आते हैं तो उनका खातिरदारी छूटना नहीं चाहिए। जब हम घर में हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भी इसी परिस्थिति से दौड़े हैं, गुजरे हैं, हम भी पहले किसी से मिलने के लिए जाते थे। जस्ट हम वीडियो को एडिटिंग कर लिए हैं और दोनों बहन से हम खाना मांगे हैं, तो बोली भैया आप वीडियो एडिट कर लो ताकि दोनों आराम कर रहे हैं, अभी जा रहे खाना मांगने के लिए। खाना नहीं दिए, खाना बना करके भाग गए, मतलब इतना। देखिए सुहानी घर में, कौन घर में? पापा घर है। तो खाना मांगे थे, खाना काहे नहीं दी? जा जा जल्दी जल्दी खाना निकालो, आए भूख लगल है। इसको देखिए पापा का जो फिल्म देख रहे हैं मजाक ना। पापा खाना खाए, तुम लोग खा ली खाना? ठीक है निकालो, जाओ ये खाना खा लो जल्दी जल्दी, खाना निकल रहा है। मम्मी आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। तो मम्मी के लिए यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, कॉल आ रहा है। आज वीडियो अपलोडिंग पे लगा चुके हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ मम्मी यहाँ खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, दाल भात इधर चोखा, है ना। बोल रहे हैं कि जलेबी पूरी बना दो भैया के लिए, तो सुनबे नहीं कर रहे थे। कराएगी बेइज्जती हो। अरे बन जाएगा बेटा, हाँ जल्दीबाजी बन जाएगा, भैया भी आएगा तब ना। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, चलो क्या बनेगा बता, उसके बाद हम लोग पूरी बना लेंगे। चलो तुम खाना खा लो। आज अभी दो भैया आए मिलने के लिए, नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा रोशन कुमार और मेरा अफसर। कहाँ कहाँ से आए हैं? हम आ रहे हैं समस्तीपुर से, समस्तीपुर में ही हैं एक्चुअली, यहाँ आसपास के हैं, बट यहाँ से मतलब दोनों
छोर पे पड़ जाता है। मेरे घर से आपका घर है लगभग 100 किलोमीटर। मेरा नाम ऐसे हुआ रोशन, मैं पटना से हूँ। अच्छा अच्छा, इतना इतना दूर से आए हैं, बताइए क्या जरूरत है आने का, मिलना था आपका प्यार है जो हमें आपके पास ले आया। तो गाइस ये हमारा पैंट और टी शर्ट रहा, तो है ना हम रागिनी को बोल रहे कि साफ कर दो। अभी दो भैया आए थे मिलने के लिए, तो मिले, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लो नहीं, मम्मी से डांट सुन रही है, मम्मी से लड़ाई भी कर रही है। तो वहाँ जाएगी तो धान के खेती में धान काटेगी, गहूँ काटेगी, बहनी बहारेगी, है ना, अपना जहाँ ससुराल जाएगी, यहाँ कुछ नहीं करती है। मम्मी का कहना है, मेरा नहीं कहना है। मम्मी अब इसको क्या है, ये तो अपना ससुराल जाएगा। ये कहता है जे बाबुल का घर से पिया का घर प्यारा लगे, तो से इसको बाबुल के घर छोड़ चले, बाबुल का घर पिया का घर प्यारा लगे, तो अपना प्यारा में जाएगा वहाँ, तो यहाँ कौन बोलेगा, कौन डांटेगा, कौन कहेगा कुछ करने के लिए। तो कहता मम्मी तुम नहीं बोलो, हम कह लेंगे, कब कर लेंगे, खाना बनाए। अच्छा ठीक है, रख जाओ जाओ, फिर रौदा भी सूख जाएगा तुरंत। ये कहाँ से, कौन भेज दिया? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, धुल दे धुल। सुहानी यहाँ कपड़ा चूज करने में लगी है कि इसको कौन सा कपड़ा चाहिए। देखो गाइस, बुढ़वक नहीं था। तो अभी का हो चुका है दोपहर का वक्त, अभी जो है हमारी मालती मौसी आई हुई, तो मम्मी उधर गपशप लगाने में लगी है। और इससे पूछिए ये क्या कर रही थी रागिनी? चाय बना रहे हैं। भैया लोग आए हुए हैं, सब लोग आएंगे, सबके लिए चाय बना, नाश्ता वास्ता बनाओ फटाफट, है ना, है कि नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ खाना। बेसन वसन आ गया सब? ये दोपहर का खाना है, क्योंकि खाना बना था आज दाल चावल, तो जो भी भैया लोग आते हैं उनके लिए स्पेशल थोड़ा बनना बहुत जरूरी है ना रागिनी। और एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो टी शर्ट था और लोवर था, तो रागिनी बोली कि भैया पहने हुए तो गंदा होकर बहुत महक रहा है, लाओ धुल दे दे, तो हमने जो चलो दे दिया जाए, धुल देगी, तो वहाँ पे पसारा हुआ है, तो वो दोनों सूख जाएगा तो हम पहन लेंगे, क्योंकि वो चीज़ पहनते तो कम्फर्टेबल महसूस होता है। आपको मैं बता दूँ कि करीबन करीबन अभी 2 साल से हमने कपड़ा नहीं खरीदा है अच्छे तरीके से। एक शर्ट वर्ट खरीदे हैं, कहाँ खरीदे हैं, ये सब कपड़ा जो है ना कम से कम 1.5-2 साल पहले पुराना है। एक आध दो कुर्ता खरीदे हैं, वो इसलिए खरीदे थे क्योंकि वीडियो बनाना था, बाकी सब सब टाइट होते जा रहा दिन पर दिन, तो थोड़ा ढीला ढाला वाला पहनते थोड़ा अच्छा लगता है। लोग देख सकते हैं अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भैया का दोस्त सब्सक्राइबर्स सब अभी मिलने आ रहे हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आटा सानेंगे, और यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए आलू का भुंजी काटे हैं जो है, और सेवई बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, भुजिया बनाएंगे। भैया के सब्सक्राइबर लोग आ रहे हैं, उन लोग भैया के लिए हम खाना बनाते हैं। अभी लोग बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी लोग गाड़ी में जो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं दूर दूर से भैया सब सबसे मिलने के लिए, उन सब के लिए खाना बनाते हैं, खाना बना करके उसके बाद फिर आप सबसे। तो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका, अभी खाना वाना खाकर जस्ट उठे हैं, तो फिर दो भैया आए हुए मिलने के लिए काफ़ी दूर से, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं और प्यार करते हैं अच्छे तरीके से, दोनों भाई मिलकर ब्लॉग करते हैं, है ना, दिन भर यही चलता रहता है, भैया लोग आते रहते हैं, मिलते रहो, आते रहो, मिलते रहो, है ना, बाकी सब लोग आते हैं मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं हमसे मिल करके, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होता है। दोनों पकड़ा गया, वो कैसे पकड़े? अच्छा एक ही को लेना, एक ही को, देखो दोनों छूट गया, एक ही को पकड़ो, एक ही को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, एक को ही ले जाओ, एक को ले जाओ, एक को ले जाओ, बहुत दोनों जिद्दी है, देखिए इधर भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है तुमको नहीं पकड़े। तीन भैया लोग आए हुए हैं, तीनों भैया से मिले अच्छे तरीके से। अभी जो खाना निकल रहा है, खाना रागिनी जो एक ही प्लेट में यानी एक ही थाली में निकाली है, क्यों? क्योंकि एक थाली में खाना खाने से प्यार बढ़ता है मम्मी, इसलिए मम्मी बोले कि एक ही थाली में सबको दीजिए, हाँ सब सब लोग भैया मिल के खाएंगे। देख सकते हैं भैया सब्सक्राइबर के खाना देने जा रहे हैं, पूरी भुजिया, इधर देखिए सिवई और सलाद वहीं घर में है, या जा रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर लोग नीचे बैठे हैं रूम में। गाइस एक्चुअल में हो चुका है इवनिंग का टाइम, जो तीन भैया आए हुए थे, ये रहे सचिन, आपका नाम क्या हो भैया? और आपका भैया कहाँ कहाँ से भैया आप लोग? मैं बक्सर बिहार से हूँ। और ये भैया तो आप लोग जानते हो, कहीं ना कहीं व्लॉग में देखे होंगे, और सब घर में ठीक है सब, मम्मी पापा? बिल्कुल ठीक है। आपके भैया? मेरे घर पे सब लोग। कैसा लगा यहाँ पे आके? मेरे को तो बताऊंगा, आज तो एक नंबर लग रहा है। ये विशाल
इतना ज्यादा हैप्पी है आके, बहुत ज्यादा हैप्पी। तो एक्चुअल में गाइज क्या है कि अभी हो चुका है इवनिंग का वक्त, मैं सोच रहा था भैया लोग को जल्दी से खातिरदारी कर लूं, तो हम भी थोड़ा टाइम निकाल लें व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि जो भी भैया लोग आते हैं तो व्लॉग करते हैं, थोड़ा उनको टाइम मिलना चाहिए अच्छे तरीके से, वो बात कर सके खुल के, है ना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी आप लोग बताओ, अभी नदी के पास आप लोग अभी चलोगे या सवेरे में चलोगे? सुबह चलते हैं, फिर व्लॉग भी शूट हो जाएगा। सवेरे में ये होगा कि थोड़ा क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी भी आएगी और व्लॉग भी शूट हो जाएगा, भैया लोग देखेंगे। तो बस जो भी चीज होता है मेरे तरफ से भैया लोग के लिए, मेरे अंदर एक्चुअल में क्या होता है ना कि मैं सोचते रहता हूँ कि क्या उनको दे इंप्रेस कर। यार सही बात बताओ ना भाई, यार इतने ज्यादा अच्छे हैं यार, सही बता रहा हूँ, आप लोग है ना मेरे व्लॉग में जाकर देखना, मतलब कि इतना ज्यादा, मतलब कि यार फोन ही करता है यार, सही बता रहा हूँ। अरे भैया मैं रियलिटी बताऊँ ना, तो वीडियो में ना लोग देखते होंगे वीडियो में ऐसा यार ऐसा कर रहा है, पर यार जो है ना एक्चुअल में जो चीज है ना भाई, वो बता रहा हूँ दिल से कि आप कितने ज्यादा, मतलब कितने ज्यादा अच्छे हो। थैंक यू यार। एक बात बताएं, आप अकेले ना पूरी फैमिली को पाल रहे हो, पूरी फैमिली को आप चला रहे हो, तो ये चीज है ना कहीं मेरे को मोटिवेशन देती है। थैंक यू भैया। आप है ना ये चीज खुद से, मतलब पूरा बोझ उठा के कर रहे हो, तो ये चीज हमको मोटिवेशन देती है ना। सुनते हैं ना तो थोड़ा दिल से जो है ना इमोशनल सा हो जाता है कि चलो कोई भैया कुछ सीख रहे हैं, है ना। मैं सोचता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन आज पता चला जब भैया लोग से मिलते तो नहीं राजा तू सही कर रहा है, ये चीज ये सही है, सही मायने में। ठीक है, सीन कुछ ऐसा है कि मम्मी जो है 100 रुपया लाई अपने पड़ोसी से मांग करके और दे रही है, किस चीज के लिए मम्मी? ये दाल लाएगा, ये अपना कापी लाएगा, सवेरे पढ़ने के लिए जाएगा ना। अच्छा अच्छा, पता है कापी ना जाएगा तो सर जी मारेगा हमको। अच्छा ठीक है ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। ठीक, तेजी से जाओ। अच्छा ठीक है, सारे भैया को खाना वाना खिला दिए, सभी लोग खाना वाना खा करके ऊपर आराम कर रहे हैं। अभी आप लोगों को भी मिलवाएंगे उन लोगों से, और ऊपर का कमरा जो खाली करवा दिए क्योंकि वहाँ पे भैया लोग को आराम करने के लिए बिस्तर विस्तर लगा दिए हैं। इधर आपकी प्यारी बहन खाना निकाल रही है, इधर मम्मी जी है लेटी हुई, इधर सुहानी आपकी पढ़ रही है, पापा जी बगल वाले कमरे में जो है खाना खा रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में हम भी थोड़ा खाना खा लेते, भैया लोग की सेवा और खातिरदारी में लगे हुए थे, और पूरा दिन भैया लोग आते रहते, आज तो गजब ही होगा, 4-5 बार भैया लोग आए मिलने के लिए, तो 4-5 टाइम में दौड़ो भागो मिलो खातिरदारी करो, बस यही चीज में लगे रह गए, अच्छे तरीके से ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए, और अभी खाना खाने का टाइम मिला है। सुहानी उठता देखो, बस तभी आलू का भुजा हुआ सब्जी है और भुजिया बना हुआ आलू का ही, और आलू का यहाँ पे जो गीला वाला सब्जी जिसको आलू दम बोलते हैं ना मम्मी, यहाँ पे पूरी बना हुआ था तो भैया लोग के लिए खाने के लिए तो बच गया, तो उसमें तो हम और मम्मी खा लेते, इसको निपटा देंगे, है ना। क्या आलू बम, आलू बम 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 आलू दम के कहता है आलू बम, बम फूट जाएगा तो वो कुछ है ना, वो बोलता है बम। चलो फिर मस्त खा लेते हैं, फिर भैया लोग से जाते हैं बातचीत करेंगे। तो अभी रात के बज रही है 11, अभी हमने व्लॉग को एडिटिंग कर लिया अच्छे तरीके से, थोड़े से पार्ट रह गया उसको शूट करके सवेरे हम एडिटिंग कर लेंगे, बाकी भैया लोग आराम से मस्त सो गए हैं खा पी करके, कोई टेंशन नहीं बढ़िया तरीके से, और साथ ही साथ हम भी थोड़ा थके हुए हैं क्योंकि पूरा दिन भैया लोगों के खातिरदारी में लगे रहे, जो हमारे भैया लोग सब्सक्राइबर लोग आते हैं मिलने के लिए, तो अभी क्या करना है सवेरे भैया लोग को अच्छे जगह पे अच्छे लोकेशन पे ले जाएंगे व्लॉग करने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से व्लॉग कर सके, है ना। और सवेरे मिलते हैं आप लोग से मॉर्निंग में। आज के व्लॉग में हम कुछ अलग चीजें आप लोग को दिखाने वाले हैं, क्या सच्चाई है जो अमित भैया जो है क्रेजी XYZ जो जिनकी टीम है जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ उनके साथ कुछ ऐसे घटना है या रीजन हुआ है, क्या वो सच है कि झूठ है, वो चीजें हम उनसे खुद पूछेंगे। एक्चुअली टीम जो अमित भैया जो एक्सपेरिमेंट करते उनके टीम का एक मेंबर थे, किसी रीजन के वजह से जो है वो टीम से अलग हो गए थे, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी वो नीचे है तो वो जैसे ही ऊपर आएंगे तो बातचीत करेंगे कि क्या यह सच है या अमित भैया ने उनको टीम से निकाला था या खुद वो अमित भैया को छोड़ करके निकल गए थे, ऐसा क्या रीजन था, है ना। तो भाई मुझे आपसे क्वेश्चन है सचिन भाई, आप क्रेजी XYZ की टीम के मेंबर्स हो आप, तो आपने अमित भैया को धोखा क्यों दिया? यार वो अमित ने ही तो एक्चुअली आप लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन उठता होगा कि इन्होंने धोखा दिया कि मैंने धोखा दिया, तो ये चीज मतलब ऐसा होता होगा कि भैया ने धोखा दिया कि अमित भैया ने इनको निकाल दिया, क्या चीज है, तो लास्ट में देखना आप लोगों को दिखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को अभी हम बताए थे, एक भैया आए हुए हैं राजस्थान से जो क्रेजी XYZ के टीम के मेंबर है, जी हाँ बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जिनका ऊपर कह सकते हो कि 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, तो क्या हुआ था उनके साथ आज अपने व्लॉग में वो चीज सच्चाई जो है बताने वाले हैं। तो सचिन भैया आप आइए खुद बताइए कि ऐसा क्या हुआ था आपको कि उस टीम से निकाल दिया गया था। मैं हूं सचिन। सचिन देखो यार मेरा है ना यहाँ पर आने का मकसद ये है, मेरे को राजा भाई से मिलना था। अरे थैंक यू। देखो यार अपनी कम्युनिटी होती है व्लॉगिंग वालों की,
तो मैं राजा भाई से मतलब इतना ज्यादा इम्प्रेस था थोड़ा सा, और मैं इधर ही आया हुआ था बिहार में, तो मैंने सोचा कि भाई राजा भाई से मतलब मैंने कॉन्टेंट किया, पहले कॉल वगैरह किया, उसके बाद बात की, उसके बाद भाई के घर गया। मतलब ज्यादा दूर नहीं था मैं, लगभग 300 किलोमीटर दूर था, फिर मैं भाई के घर पे भी आ गया। तो भाई यार सीन कुछ ऐसा था उस टाइम, मैं क्रेजी एक्सपीरियंस टीम में था और अमित भैया के मतलब अमित भैया का दोस्त हूँ वैसे तो, मैं अमित भैया के साथ रहता था, अमित भैया के घर के पास ही मेरे घर है ना। तो यार उस टाइम सीन क्या हुआ था, उस टाइम मैंने खुद का चैनल बनाया था, वो भी व्लॉगिंग का है ना, एक्सपेरिमेंट का नहीं बनाया था, और एक व्लॉग मजाक मजाक में अपलोड किया था, वो भी एकदम प्राइवेसी रख के, अपनी खुद की प्राइवेसी उनकी प्राइवेसी रख के ना अच्छे तरीके से बनाया था, कि कोई प्राइवेसी को हेट ना पूछे है ना। उस वजह से भी मतलब कि थोड़ा बहुत तो क्या पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अमित भैया को ऐसा लगा कि ये सिर्फ मतलब व्लॉग ना बनाए और ये चैनल ना खोले कोई भी है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि चैनल डिलीट कर दो अगर टीम में काम करना है तो। उसके बाद मैंने वैसे तो डिलीट नहीं किया था, वीडियो प्राइवेट कर दिया था, फिर भी अमित भैया ने बोला कि टीम में मत आना कल से, टीम में काम मत करना, उसके बाद से ऐसा कुछ हो गया था। बट ज़्यादा कोई बात थी नहीं, और इस बात पे मैं अभी बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत पहले का मैटर हो गया। इस टाइम है ना मैं वो चीज़ कर नहीं बता नहीं सकता, और उस टाइम मैंने बता दिया ना तो वो ठीक था, वो चीज ठीक था। हाँ। तो जो भी चीजें था भाई के आप मुख से सुन लिया है ना, जो भी चीजें क्लियर था, हमने सोचा चलो हम भी ब्लॉग बना ही डालते इस चीज को लेकर के, क्योंकि काफी सारे कंट्रोवर्सी था इसके ऊपर। हाँ। राजा भाई से ना सही बताया ना मिलके ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि राजा भाई है ना सोप नहीं करते, जो रियलिटी है ना, अब लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, रियलिटी है ना वो हमको यहाँ पर आके पता लगा, राजा भाई है ना इतना सा सोप नहीं करते। गाई यार आप लोग भी देखते हो व्लॉग में जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी दिखाते हैं, चाहे अपन जो जैसे है ना वैसे दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि हम शो ऑफ कर रहे हैं कि हमारे पास वो है ये है ये चीज़, बिल्कुल मतलब मेरे को ये चीज़ परफेक्ट लगती है भाई कि एकदम अच्छे रहते हैं, शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते। और यार बिहार की तो बात ही अलग है यार, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है। राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान गाँव में, बट मेरे को बिहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग कभी राजस्थान आइए और बिहार आइए और डिफरेंट बताइए। बट यार एक बात बताएं, बिहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, राजा भैया आपका बिहार बहुत दिल से अच्छा है, और जो रेस्पेक्ट आपने मेरी की है ना, यहाँ पर अच्छे से खाना खिलाया, मतलब कि अच्छे से रखा मेरे को, और बात ही भी अच्छे से की, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला आपसे है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा बेटर था वो चीज़। थैंक यू। तो उसके लिए मतलब धन्यवाद करता हूँ आपका ना। हम कभी सोचते नहीं थे कि जब हम राजस्थान स्ट्रगल करने के लिए गए थे कि वहाँ का भी कोई यूट्यूबर हमसे मिलने के लिए आएंगे है ना। तो यार ये तो थोड़ा मतलब दिल से होती है ना, एकदम कनेक्शन से हो जाती है। तो बस गए, जो भी चीजें था आपको ब्लॉग में क्लियर कर दिए हैं, और जैसा कि बीच में कंट्रोवर्सी छिड़ा हुआ तो हमने सोचा कि चलो भाई जब आए हुए तो हम भी इस पे ब्लॉग बना ही डालते हैं, क्योंकि कई सारे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर ने भी, नियॉन मैन ने भी और न्यूज बॉय ने भी न्यूज दी थी इस बारे में, तो वो चीज बहुत अगर शायद आप लोगों को पता होगा, किसी ना किसी को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट जरूर कर देना। बट यार उस चीज को है ना, मैं ना उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। बट यार अभी मैं सोचता हूँ कि जो भी हुआ ना तो ठीक हुआ। अब मैं ना कुछ अपने लाइफ में अपने दम पे राजा भैया से कैसे मिल रहा हूँ, राजा भैया से कैसे मिल पाता अगर ऐसा नहीं होता तो। हाँ तो बस यही हम कहना चाहेंगे, बिहार कैसा लगा सच बताओ आप। सही बता रहे हैं, बिहार है भाई बहुत ज्यादा अच्छा है भाई की हरियाली, हरे भरे खेत है, और यहाँ पर तो आने के बाद भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, पास में एक रिवर भी है, नदी भी है, सही बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है बिहार। थैंक यू भैया। मतलब की लोग बाहर जाके ना, बाहर वालों की पता नहीं क्या सोच होते हैं, बिहारी बिहारी ऐसे करते हैं, बट रियली बात है तो भाई बिहार वाले जो लोग होते हैं ना, ह्यूमिनिटी होती है ना उसमें, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। हम ट्रेन छूट गई थी हमारी गल ना, तो एक लोग से ना लिफ्ट मांगे थे हम, भाई तुरंत रुक गया था वो बंदा, मतलब कि वो चीज हमने देखी तुरंत रुक गया। हमारे राजस्थान में ऐसे पड़ जाओ चाहे उधर रोड पे गिर जाओ भाई, तब भी लिफ्ट नहीं देते लोग, ठीक है। और यहाँ पर तो एक बार बोलते ही रोक लिया था गाड़ी, मतलब ऐसा ये चीज हमने ना बहुत ज्यादा नोटिस की, बिहार के लोगों में बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। तो बस थैंक यू सो मच भाई, इतने दूर से आप मेरे लिए टाइम निकाल करके आए हो है ना, तो भाई और आपको प्यार है यार खींच के ले आते हैं। बस गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना, जो भी चीजें था भैया के मुंह से सुन लिए, चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बिहार समस्तीपुर से दूर पूरा फुल सपोर्ट को बगल में इंस्टाग्राम का आईडी जाकर फॉलो कर लो, 3 लाख सब्सक्राइब करवा दो यार, दबा के सब्सक्राइब करो है ना, बस इस तरह सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जैसे भैया बोले 3 लाख करने के लिए तो फटाफट करवा दो, 3 लाख करवाने के बाद है ना हम राजस्थान बुलाएंगे भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने खुद कहा इनके ब्लॉग, मैंने जाकर के देख लेना। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना, अपना कीमती वक्त निकालकर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत